मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडे संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 4, 5 और 6 की वर्कशीट तैयार करने जा रहे हैं। हमने वर्कशीट 1 में 1 से 3 तक की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अब हम उससे ही अगली वाली एक्सरसाइज हम समझाते हुए अपनी वर्कशीट तैयार करेंगे, तो शुरू की करते हैं। इसलिए आप भी अपनी बुक ओपन कीजिए और देखिए एक्सरसाइज नंबर 4, दृत लकारे परिवर्त्य वाक्यानि लिखत। दृत लकार में परिवर्तन करके वाक्य लिखिए। जो वाक्य दिया हुआ है उसे हमें दृत लकार में बदलना है, और जब हमें लकार में बदलना होता है तब सिर्फ हमें धातु का क्रिया का ध्यान रखना है कि हमारी क्रिया सिर्फ हमें उसी पुरुष और उसी वचन में बदलना है जो पुरुष और वचन दिया गया है। यहाँ लकार अलग है, यहाँ लकार है लट लकार, और लट लकार का यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप दिया हुआ है, तो हमें दृत लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप बनाना है इसको परिवर्तन करके। तो ये तो आएगा शुको तत्र, और यह तिष्ठति तिष्ठतः है। लट लकार में तिष्ठ धातु से चलता है और दृत लकार में तिष्ठ से न चल करके स्था से चलता है। दोनों का अर्थ रहते हैं या ठहरते हैं होता है, तो यहाँ होगा स्थाश्यतः, वचन पुरुष वही है। ख बालकः भ्रमणाय उपवनम गच्छन्ति। बालकः बालक भ्रमणाय घूमने के लिए उपवनम बगीचे में गच्छन्ति जाते हैं। अब यह गच्छन्ति जो क्रिया रूप है यह प्रथम पुरुष बहुवचन का है, और लकार इसमें लट लकार हमें बदलना है दृत लकार में, ये बात याद रखना। तो हमें दृत लकार का रूप बनाना है प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो बनेगा गमिष्यन्ति, क्योंकि गच्छ को हम गम में बदलते हैं दृत लकार में चलाने के लिए, गम से चलेगा तो गमिष्यन्ति बनेगा। बालकः भ्रमणाय उपवनम, ये हमने वैसा का वैसे लिखा है, और गच्छन्ति की स्थान पर हमने दृत लकार का बना दिया धातु रूप गमिष्यन्ति, तो हमारा सेंटेंस पूरा दृत लकार का हो गया। इसका अर्थ है बालक घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं, बालक घूमने के लिए बगीचे में जाएंगे, दृत लकार यानी भविष्य काल होता है। ग अहम दुग्धम पिबामी, मैं दूध पीता हूँ। यह है पिबामी उत्तम पुरुष एकवचन का क्रियापद लट लकार का, तो हम उसे दृत लकार में बदलेंगे, तो बनेगा ये अहम दुग्धम पाश्यामि, ये बनेगा अहम दुग्धम पाश्यामि। पिबामी लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का है, ये बना दृत लकार उत्तम पुरुष एकवचन। मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीऊंगा। ग घर बालिका चित्रम पश्यति, बालिका चित्र देखती हैं। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का क्रियापद है, हम दृत लकार प्रथम पुरुष एकवचन का दृत लकार का बनाएंगे, तो बनेगा बालिका चित्रम, और पश्य से नहीं चलता है दृत लकार में, दृश्य से चलता है तो बनेगा दृक्षति, ये बना है द्रक्षति, बालिका चित्र देखेगी। त्वम उच्चैः हससि, तुम जोर से हंसते हो। हससि मध्यम पुरुष एकवचन का क्रियापद है, हमें दृत लकार मध्यम पुरुष एकवचन का क्रियापद बनाना है। त्वम उच्चैः हसिष्यसि, तुम जोर से हंसते हो, तुम जोर से हंसोगे। एक्सरसाइज नंबर 5, कर्ता पदानाम क्रियापदैः सह मेलनम क्रियताम। कर्ता पदों का क्रियापदों के साथ मेल कीजिए। हमें एक तरफ कर्ता पद दिए हुए हैं तो दूसरी तरफ क्रियापद, हमको कर्ता देखकर क्रियापद से मिलान करना है, तो इसके लिए हमें कर्ता का वचन और पुरुष पहचानना है। जैसे पहला दिया हुआ है वानराहा, अब हमें वानराहा का हमें वचन पहचानना है कि वानराहा का वचन कौन सा है, तो उसके वचन के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे। वानराहा है बहुवचन का, तो इसमें बहुवचन का क्रियापद पहचानना है, बहुवचन का क्रियापद कौन सा है, वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर वृक्षों पर कूदते हैं।
यूयम, यूयम है यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन का और इसके साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया हमें पहचाननी है, तो ये होगा क्रिया कहाँ है, सी थ था होती है इसकी क्रिया, ये है थ। तो यूयम पुस्तकालय गच्छत, तुम सब पुस्तकालय में जाते हो। षष्ठ, यहाँ प्रथम पुरुष एकवचन का है तो हमें प्रथम पुरुष एकवचन की कर्ता क्रिया पहचानी है, तो इसमें होता है ती, तो ती वाला सेंटेंस हमें देखना है। षष्ठ तीव्रम धावती, खरगोश तेज दौड़ता है। सारिका, वो सारिका प्रथम पुरुष एकवचन का है तो हमें कोयल, सारिका का अर्थ होता है कोयल। अब यह प्रथम पुरुष एकवचन का है यह कर्ता, इसलिए हमें प्रथम पुरुष एकवचन का क्रियापद देखना है, तो यह होगा सारिका मधुरम वदती, कोयल मधुर बोलती है। बालकः, बालक प्रथम पुरुष एकवचन का है, हमें प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया देखना है, तो यह होगा भोजनम खादिष्यति, भोजन खाएगा, ती है ये भी यहाँ पर, तो यह बालकः हेलृट लकार का, किंतु क्रियापद तो यही है एकवचन का। वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो हमें उत्तम पुरुष बहुवचन का होता मी वह मह, मह वाला ढूंढना है जहाँ जिसके भी पीछे मह लगा हुआ है, तो ये रहा। वयम गृहे एव स्थास्यामः, हम सब घर ही रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6, संस्कृत भाषायां अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क, हम सब घूमने जाएंगे, यह हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। हम सब के लिए आता है वयम, यहाँ तक हो गया हम सब घूमने जाएंगे, तो भ्रमणम गमिष्यामः, घूमने जाएंगे, वयम भ्रमणम गमिष्यामः, हम सब घूमने जाएंगे। ख, तुम दोनों क्या पीते हो, युवाम किम पीबथः, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का है इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगाई है। माँ गुस्सा करेगी, माता क्रोधः करिष्यति, करेगी यह भविष्य काल का है यानी ऋट लकार का क्रियापद है, इसलिए यहाँ हमने ऋट लकार का क्रियापद लगाया। घर, पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं, पक्षी बहुवचन है इसलिए आएगा खगाहा, पेड़ों पर सप्तमी विभक्ति लगेगी वृक्षेषु, और बहुवचन होने से खगाहा, इसलिए हमने तिष्ठन्ति लगाया, खगाहा वृक्षेषु तिष्ठन्ति। गर, क्या तुम सब चलचित्र देखने जाओगे, तो किम, क्या तुम सब के लिए आता है यूयम, क्योंकि यह क्या है मध्यम पुरुष का कर्ता है, और इसलिए हमने यहाँ लगाया है मध्यम पुरुष का कर्ता यूयम, और जब यूयम मध्यम पुरुष का है तो हम मध्यम पुरुष की ही हम क्रिया लगाएंगे, तो यूयम के साथ में हमने लगाया यहाँ पे गमिष्यथ। चलचित्रम, चलचित्रम देखने जाओगे, दृष्टुम गमिष्यथ जाओगे, किम यूयम चलचित्रम दृष्टुम गमिष्यथ, क्या तुम सब चलचित्र देखने जाओगे। तो छात्रों यह था हमारा अभ्यास कार्य नंबर 6, हम पुनः अगला अभ्यास कार्य लेकर के और चैप्टर अगला लेंगे हमारा सेकेंड, और फिर से हम अपनी वर्कशीट तैयार करेंगे, तो जिसने भी यह अभ्यास कार्य पहले नहीं लिखा है तो अब भी आप अपना वर्क तैयार कर सकते हैं, वर्कशीट नंबर 2 डाल करके आप अपना वर्क कंप्लीट करें और इस प्रकार से अभ्यास करें तो और अच्छा आपका अभ्यास हो सकता है। धन्यवाद।